हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, मौलाना मजहरुल हक अरबी का फारसी यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही खुशखबरी की बात आ रही है। खुशखबरी की बात इसलिए कह रहे हैं कि जो बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर परिवार चलता है तो उसमें एक गार्जियन होते हैं। गार्जियन के बगैर परिवार क्या हो जाता है, बिखरा हो जाता है। कोई भी काम समय पर नहीं होता है, कोई भी एक्शन सही से परिवार चल ही नहीं पाता है। तो एक गार्जियन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, उसमें भी एक गार्जियन होता है। तो मौलाना मजहरुल हक अरबी के फारसी के जो कुलपति थे, कुलपति का जो पद था लगभग 1 सालों से रिक्त था। और जिसके कारण क्या था कि आप लोगों का पता है कि आप लोगों का कितना भी एग्ज़ाम हुआ है, आलिम फाजिल है या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसके रिजल्ट समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही एग्ज़ाम आपको समय पर कराए जा रहे हैं। बहुत ही सेशन लेट भी चल रहा है और बहुत ही कमियाँ भी है। कर्मचारी भी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत पैसा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। ये सारी बहुत सी कमियाँ हैं। तो अब नए कुलपति बने हुए हैं जो कि प्रोफेसर आलमगीर को नियुक्त किया गया है, और इससे जुड़ी हुई जानकारी अब वीडियो में आगे भी हम आपको पूरी अच्छे तरह से देंगे। तो इनको तो अब नियुक्त कर दिया गया है। अब देखना ये है कि आप लोग के लिए क्या ये बेहतर काम करते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए क्या बेहतर काम करते हैं। इनसे अब यही उम्मीद है, क्योंकि जो भी रिजल्ट है जल्दी प्रकाशित कर दें और आपका जो परीक्षाएँ लंबित हैं उनको भी ये कराने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार मदरसा बोर्ड का भी चेयरमैन का पोस्ट जो है बहुत दिनों से खाली है, उसके भी अभी तक कोई चेयरमैन को नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण उसमें भी बहुत ही कमियां चल रही है बिहार मदरसा बोर्ड में। साथ ही मौलाना मजहरुल हक अरबी के फारसी यूनिवर्सिटी का वही हाल था, मगर अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कुलपति नियुक्त हो चुके हैं। अब ये क्या बेहतर करते हैं, इसी से उम्मीद है। अब थोड़ा प्रोफेसर आलमगीर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, ये कौन है। हम आपको प्रभात खबर के न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि आज 14 अक्टूबर 2022 का ये न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, इसलिए समय पे ये न्यूज़ आप लोगों को नहीं बता पाया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। अभी टाइम मिला है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो नियुक्ति है, राज्यपाल जो हमारे फग्गु चौहान हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री के परामर्श से किया है, उन्होंने ये सब गुरुवार को किया जो भी है। अब बात करते हैं जो प्रोफेसर आलमगीर हैं, ये पहले यूजीसी, आपको पता है कि यूजीसी होता है, यूजीसी के सदस्य रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये खुलना जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके भी कुलपति रह चुके हैं। तो इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि कुछ बेहतर करेंगे आप लोग के लिए। और साथ ही ये बता दें कि ये जो मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो यही सारी जानकारी है। और यहाँ पे कुछ और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को भी नियुक्त किया गया है। तो कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ की प्रतिकुलपति की भी नियुक्ति की गई है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति की गई है। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।